ओमान एक कंट्री मिडल ईस्ट में जिसकी कैपिटल मस्कैट है। ओमान लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन के साथ, और मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान और पाकिस्तान के साथ। ओमान की करेंसी को कहते हैं ओमानी रियाल और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है। एक ओमानी रियाल की वैल्यू इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए की बराबर है। ओमान की करेंसी द ओमानी रियाल वर्ल्ड के थर्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है आफ्टर द कुवैती दिनार एंड द बहरेनी दिनार। ओमान की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनके जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन बैंक नोट है वो सिर्फ 50 रियाल के ही बैंक नोट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ओमान की करेंसी बहुत ही स्टेबल है क्योंकि ये पेग्ड टू द यूएस डॉलर है। एक ओमानी रियाल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.6 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर से, और ये लास्ट बहुत ही 20-25 साल से पेग्ड है। ओमान पेग कर सकते हैं यूएस डॉलर के साथ क्योंकि ओमान इज रिच इन ऑयल और उनके पास बहुत सारे डॉलर से, और इसलिए डॉलर को यूज करके उन लोग अपना इकोनॉमी को काफी स्टेबल रख सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मेरे ओमान की करेंसी जो है, बहुत सारे ओमान की करेंसी नोट्स है, ये सारे नोट्स एक एक करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा ओमान की करेंसी की वैल्यू कितनी है सारे नोटों की। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और साइड में रहा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों ओमान की करेंसी ओमानी रियाल जो है वो 1000 डिविजन में डिवाइड किए गए हैं। जैसे इंडिया की रूपी जो है वो 100 में डिवाइड किया गया है, 1 रुपए बनते हैं 100 पैसे। तो ओमान की जो करेंसी है उसको डिवाइड किया गया है 1000 डिविजन्स में, और इसकी सब डिविजन को कहते हैं बाइसा, BAISA। तो एक ओमानी रियाल जो है वो बनते हैं 1000 बाइसा। और ये जो आप देख रहे हो फिलहाल मेरे हाथ में ये है 100 बाइसा की नोट। तो ये नोट एक्चुअली पैसा भी कह सकते हो, ये 1/10 ऑफ ए रियाल है। तो एक रियाल मैंने जैसे आपको कहा 200 रुपए के बराबर है, तो ये जो 100 पैसा है इसकी वैल्यू इंडिया में 20 रुपए है। लेकिन फिलहाल ये वाली नोट जो है ये डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं, एक नया वाले सीरीज की नोट 100 पैसा की निकल आए है, और ये रहा नया वाले सीरीज की 100 पैसा नोट, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आ गया ओमान के आधे रियाल की नोट, और ये रहा आधे रियाल की नोट आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये ग्रीन कलर की प्रोमिनेंट है और काफी सुंदर है, और ये एक पेपर बेस्ड की नोट है, और ये रहा फ्रंट साइड और ये रहा बैक साइड ऑफ द नोट। और ये आधे रियाल नोट की वैल्यू है इंडिया में 100 रुपए के बराबर अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों ओमान की नेक्स्ट नोट जो है ओमान के एक रियाल की नोट। फिलहाल मेरे पास दो वेरिएंट की नोट है, ये एक वेरिएंट है ओमान की एक रियाल और ये एक वेरिएंट है ओमानी एक रियाल, दोनों को एक एक करके देखते हैं चलिए। तो ये वाली वेरिएंट जो आप देख रहे हो ये प्रिंट किया गया था अराउंड 2005 में टू कॉमेमोरेट द 35th नेशनल डे ऑफ ओमान, और यहाँ पे फ्रंट में दिखा रहे हैं सुल्तान कब्बूस बिन साइद को जो फॉर्मर सुल्तान ऑफ ओमान थे, और बैक साइड ऑफ द नोट कुछ इस तरह दिखते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक शिप को दिखा रहे हैं, नेवी शिप को दिखा रहे हैं, और एक मिनारेट और जलाली फोर्ट्रेस को दिखा रहे हैं, और ये नोट इशू करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन जो है ओमानी रियाल, मेरे पास काफी सारे एक ओमानी रियाल की नोट है ये वर्जन की, मैं अपने कलेक्शन के लिए रखा हूँ ये सारे नोट। एक नोट फिलहाल दिखाते हैं आपको लोगों, तो ये रहा ओमानी दूसरे वर्जन नोट की फ्रंट साइड, और यहाँ पे फिर से फॉर्मर सुल्तान ऑफ ओमान को दिखा रहे हैं सुल्तान कब्बूस बिन साइद, और ये नोट जो है ये इशू किया गया था 2015 में टू कॉमेमोरेट द 45th नेशनल डे ऑफ ओमान, और ये नोट काफी सुंदर है, पर्पल कलर ज्यादा प्रोमिनेंट है। बैक साइड ऑफ द नोट कुछ ऐसा दिखता है, इस साइड में इंग्लिश पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे फ्लावर्स, डेजर्ट व्हाइट बटरफ्लाइज और सुल्तान कब्बूस यूनिवर्सिटी को दिखा रहे हैं। ये दोनों वेरिएंट की ओमानी वन रियल नोट अभी भी लीगल टेंडर है, और ये दोनों नोटों की वैल्यू 200 रुपीस ईच है। उसके बाद आ गया दोस्तों ओमान की नेक्स्ट नोट जो है ओमान की 5 रियाल की नोट, और ये कुछ ऐसा दिखता है। फ्रंट साइड को क्लोजअप में देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओमान की प्रेजेंट सुल्तान को दिखा रहे हैं, सुल्तान हाइथम इबन तारिक इबन तैमूर अल सायद को, और सुल्तान कब्बूस यूनिवर्सिटी को दिखा रहे हैं जो मस्कैट में है। बैक साइड ऑफ द नोट कुछ इस तरह दिखता है, और यहाँ पे दिखा रहे हैं रॉयल ओपेरा हाउस को जो मस्कैट में है, और ये 5 ओमानी रियाल जो है इसकी वैल्यू इंडिया में 1000 रुपए के बराबर है। तो काफी हाई वैल्यूएबल नोट है ना, ओमान के सिर्फ 5 है और इंडिया में बन जाते हैं ये डायरेक्टली 1000 रुपए। दोस्तों मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछ रहे थे कि बाहर में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने से कितना खर्चे आते हैं, तो मैं कुछ एक दो वीडियो में बताया था, फिर भी आज भी इस वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिये ये जो चार्जेस लगाएंगे वो एक्चुअली आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके बैंक कौन सा कार्ड आपको इश्यू कर रहे हैं। कोई कोई कार्ड जो है वो 2% चार्ज करते हैं, कोई कोई कार्ड जो है 3.5 करते हैं, और कोई कोई कार्ड जो है वो 4-5% भी करते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कार्ड्स जो है वो 3.5% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ स्वाइप किए वहां पे और उसकी इंडियन वैल्यू जो है कन्वर्ट करने के बाद 100 रुपए निकला,
तो इंडियन बैंक जो है आपसे लेंगे 3.5% और उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे 18%, यानी कि 4 रुपए के बराबर लगेंगे फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड। लेकिन ऐसा बहुत सारे कार्ड है जैसे कि एचडीएफसी की इन्फिनिया हो गया, रिगेलिया हो गया, वो सिर्फ 2% चार्ज करते हैं। तो ये कार्ड अगर आपको मिलते हैं तब आप जरूर लीजिएगा। इन्फिनिया पाने के लिए थोड़ा आपको कष्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत यूजेस दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको इन्फिनिया मिलेंगे। मेरे पास फिलहाल एचडीएफसी के इन्फिनिया कार्ड है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ और काफी मतलब प्रॉफिट बहुत हो रहा है क्योंकि सिर्फ 2% चार्ज करते हैं और उसके पॉइंट्स भी काफी है और इसलिए वापस मेरा अल्टीमेटली जीरो टाइप ही हो जाते हैं। लेकिन ये इन्फिनिया मिलने के लिए मुझे 10 साल से ऊपर लग गया। मैं पहले में स्टार्टिंग किया था दूसरे वैरायटी के कार्ड से, जैसे कि एयर माइल्स था, उसके बाद मुझे मिला रिगेलिया, उसके बाद मिला मुझे फाइनली इन्फिनिया। तब आप टारगेट कीजिए एचडीएफसी का इन्फिनिया मिलने के लिए, नहीं तो आप दूसरे स्टेट बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, किसी भी बैंक से आप ले सकते हो, लेकिन आपका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा पड़ सकती है। तो याद रखिए, आप अगर बाहर पे अपना कार्ड यूज़ करते हो, चाहे वो कार्ड स्वाइप करते हो या कहीं पर भी आप कुछ करते हो, वो 2% लगेंगे, नहीं तो 3.5% लगेंगे, नहीं तो 5% लगेंगे, वो अपना बैंक को आप पूछ के देख सकते हो। लेकिन और एक बात है कि अगर आप अपना कार्ड एटीएम से पैसा निकालते हो तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है वो 3.5% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट आपको चार्ज करेंगे और उसके ऊपर 118 रुपया पर ट्रांजैक्शन। तो इसलिए एटीएम से पैसा निकालना काफ़ी लॉस है। हो सके तो इंडिया से ही आप डायरेक्टली उस कंट्री के कैश लेके जाइए। अगर उस कंट्री के कैश नहीं मिलते, अगर वो कंट्री की करेंसी जो है क्लोज करेंसी है, जैसे कि मालदीव्स के रुपया हो ऐसा टाइप का, तो आप यूएस डॉलर्स लेके जाइए और वहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए। एटीएम से निकालिए एज ए लास्ट रिजॉर्ट, काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ सकती है एटीएम से निकालने के लिए। तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन के बाद मैं आपको नेक्स्ट नोट दिखाता हूँ ओमान की, जो है 10 रियाल की नोट। और 10 रियाल की नोट जो है कुछ ऐसा दिखता है, ये पेपर बेस्ड नोट है। फ्रंट नोट अगर आप क्लोजअप देखते हो तब ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट सुल्तान ऑफ ओमान को डिपिक्ट कर रहे हैं फिर से, और काफी छोटे छोटे प्रिंटिंग्स, फाइन प्रिंटिंग्स है टू प्रिवेंट काउंटरफिटिंग। और उसके बाद सुल्तान कंपूस ग्रैंड मॉस्क को भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, और फ्रंट में आप देख सकते हो सारे चीज अरबिक में लिखा हुआ है। और बैक साइड का नोट कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे अल बलिद आर्कियोलॉजिकल पार्क को दिखा रहे हैं और कुछ दूसरा डिपिक्शंस भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये 10 ओमानी रियाल नोट की वैल्यू इंडिया में 2000 रुपए है। उसके बाद ओमान की नेक्स्ट नोट जो है वो है 20 रियाल की नोट, और ये रहा मेरे पास 20 रियाल की नोट। फ्रंट साइड आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा फ्रंट साइड ऑफ द नोट, यहाँ पे फिर से फॉर्मर सुल्तान को दिखा रहे है जो सुल्तान कंपूस बिन साइड थे, और ग्रैंड मॉस्क को दिखा रहे हैं जो मस्कैट में है। और ये नोट इशू किया गया था 2010 में टू कमेमोरेट द 48th नेशनल डे ऑफ ओमान। बैक साइड ऑफ द नोट यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो, और यहाँ पे रॉयल ओपेरा हाउस को दिखा रहे हैं जो मस्कैट में है। और ये 20 ओमानी रियाल नोट की वैल्यू इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये सारे जो ओमान के करेंसी नोट्स है, ये मैंने खरीदा था जब मैं दुबई गया था लास्ट नवम्बर में, तो वहां से मैं सारे नोट्स खरीद के ले आया। कुछ नोट मैं कलेक्शन के लिए रखूंगा और कुछ नोट्स मैं नेक्स्ट जब फॉरेन ट्रिप्स करूंगा तब एक्सचेंज करके दूसरे कंट्री के करेंसी नोट्स ले लूंगा। तो इसलिए ये सारे कहीं भी लॉस नहीं है। लेकिन ये छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स है, जैसे कि 100 पैसा, 0.5 रियाल और उसके बाद 1 रियाल, ये मैं कुछ अपने कलेक्शन के लिए रखूंगा। तो नेक्स्ट नोट आ गया ओमान की सबसे बड़ी वाली नोट, और ये रहा ओमान की 50 रियाल की नोट। ये काफी लंबी और ब्रेथ काफी ज्यादा है और बहुत ही हाई वैल्यूएबल नोट है ये। और ये रहा फ्रंट साइड ऑफ द नोट की क्लोजअप, और यहाँ पे फॉर्मर सुल्तान ऑफ ओमान सुल्तान कंपूस बिन साइद को डिपिक कर रहे हैं, और काफी फाइन प्रिंटिंग्स है ऑल अक्रॉस द नोट टू प्रिवेंट काउंटरफिटिंग ऑफ दिस नोट। बैक साइड ऑफ द नोट कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स को दिखा रहे हैं, और ये नोट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान इशू करते हैं। और दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी वाली ओमान की नोट है 50 ओमानी रियाल नोट, इसकी वैल्यू इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है ना, ये सिर्फ 50 ओमानी रियाल। ये मैं अगर एक्सचेंज करता हूँ किसी भी इंडियन एक्सचेंज में, मुझे मिलेगा 10,000 इंडियन रुपए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन ओमान की करेंसी ओमानी रियाल के ऊपर? उम्मीद है कुछ लोगों को अच्छा लगा। कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा और हेल्प करने के लिए ट्राई करूंगा। तो फिलहाल वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, टेक केयर, स्टे सेफ, हैप्पी ट्रैवलिंग एंड सी यू सून, बाय बाय।